नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। आज के वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट भी, क्योंकि ये वीडियो है क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए और लेसन है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट। और ये स्टोरी हम है अ बेकर फ्रॉम गोवा, इसके राइटर हैं लूसियो रॉड्रिग्स। दोस्तों, इस कहानी में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात मिस्टर लूसियो रॉड्रिग्स हमें बताना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं गोवा की उस संस्कृति के बारे में, उस पास्ट के बारे में, जब पुर्तगालियों का वहाँ पर शासन था। जब पुर्तगाली वहाँ से चले गए तो अपने साथ लगभग सब कुछ ले गए, लेकिन फिर भी वहाँ छोड़ गए अपने हाथों के बने हुए केक की महक, अपने हाथों के बने पाव का स्वाद। राइटर उसी चीज को याद कर रहा है जब वो छोटा था, उसके गांव में एक बेकर आता था नान भाई, जो पूरे गांव में अपने हाथ के बने हुए केक और ब्रेड बेचा करता था। दो बार उससे मुलाकात होती थी राइटर की बचपन में, एक तो जब वो आता था और दूसरा जब वो जाता था। वो छोटे छोटे बच्चों को अपने हाथ के बने हुए केक और ब्रेड बांटा करता था। बच्चे बड़े खुशी से उसके हाथ के बने हुए केक और ब्रेड खाया करते थे। कई बार तो ये बच्चे सुबह ब्रश करने से पहले ही उसके हाथ के बने केक और ब्रेड का नाश्ता कर लिया करते थे। तो ये बड़े खूबसूरत दिन थे। आज पुर्तगाली तो अब नहीं रहे हैं गोवा में, लेकिन उस समय के बहुत से लोग अभी वहाँ मौजूद हैं और वो उसी ज़माने की पुराने टाइप की भट्टियों में अभी भी केक बनाने का काम करते हैं। दोस्तों, आज भी राइटर को अपना बचपन याद आता है। उस ज़माने के वो बेकर्स अजीब सी फ्रॉक टाइप का एक ड्रेस पहनते, जिसे कवाई कहते थे। बाद में राइटर ने देखा उन्होंने एक और ड्रेस ट्राई की जो घुटनों तक की होती थी, शॉर्ट से थोड़ी लंबी और ट्राउजर से थोड़ी छोटी, जैसा आजकल हम बरमूडा देख रहे हैं। तो इस तरह से जो बेकर्स थे वो अपनी अजीब ड्रेस के लिए भी मशहूर थे और उससे ज़्यादा मशहूर थे अपने हाथों के बने स्वादिष्ट केक और ब्रेड के। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज हम देख रहे हैं वो केक और ब्रेड की जो रिवायत है या संस्कृति है, वो आज और ज़्यादा डेवलप हो रही है। अब हर शहर में, हर जगह हम देख सकते हैं बिना केक के, बिना कप केक के, बिना पेस्ट्रीज के अब कोई भी महफिल, कोई फंक्शन अधूरा है। ऐसा ही उस समय होता था जिसके बारे में राइटर जिक्र कर रहा है। ऐसा कोई फंक्शन, कोई शादी, कोई सेलिब्रेशन, कोई बर्थडे पॉसिबल नहीं था उस टाइम, जब उन फंक्शंस में उस ज़माने के बेकर्स के हाथों के बने हुए केक, उनके हाथ के बने हुए ब्रेड सर्व ना किए जाते हों और लोग उनका आनंद और टेस्ट ना लेते हों। समय बदलता है दोस्तों, लेकिन कुछ मीठी यादें होती हैं जो समय के साथ हमेशा जिंदा रहती हैं और हमारे जहन में ताज़ा रहती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी और ये समरी इस लेसन की कैसी लगी? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है और अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो है आपका सबसे पसंदीदा और प्यारा एजुकेशनल चैनल संजीव गोस्वामी। नमस्कार।